सब पीपल, दिस इज दिव्यांशी शर्मा। एंड अभी मैंने अपना फर्स्ट ब्लॉग डाला था कल, एंड आज है 16 मई। तो हुआ ये कि एक ही ब्लॉग बनाया मैंने और मेरी हालत ख़राब हो गई 6 घंटे की एडिटिंग, माय गॉड। और आज हम जा रहे हैं सुरजीत अंकल के घर पे, तो मैंने ये थोड़ा गर्लिश पहना है, गर्लिश लुक है। सब रेडी हो रहे हैं और मैं रेडी हो चुका हूँ। मैंने पराठे पहनने स्टार्ट कर दिए हैं जिसकी वजह से फिर मुझे पिंपल हो रहे हैं, तो ये हो जाएंगे विद इन 2-3 डेज ख़त्म एकदम। तो अब मैं जा रही हूँ कार में। आ रही है इंजन की आवाज़ आ रही है। तो अब हम आ गए हैं मेरे दोस्त के घर पे और चलते हैं। और अभी बाबा पूछ रहे हैं कि हम लोग कहाँ पर जाना है हमें। तो भाई जगह तो बढ़िया है, अब देखते हैं कौन कौन मिलेगा। ये पापा के सारे दोस्त होंगे जो जो भी बुलाए गए हैं। तो हम सब आ गए हैं। हेलो आंटी, हेलो, ये मेरे ऊपर है। बहुत अच्छी आंटी, बहुत अच्छी। इसका नाम क्या है? रूस। रूस से हेलो, रूस से हेलो, हेलो हेलो बोलो दीदी को। हेलो प्यार करता रूस। रूस देखो भाई आदि, हेलो बोलो सब। आजा भी तू आजा। हाँ ना और तेरी वीडियोस बहुत अच्छी होती है। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। तो तेरा मतलब बोलने का तरीका है, जो बैकग्राउंड है अमेजिंग। थैंक यू सो मच। प्रोफेशनल। हम तो डॉग बहुत प्यारा लगा, बहुत ही प्यारे डॉग। आप भी मिल लो यार। हाँ हाय। तो यहाँ पर बात हो रही है मेरे और पापा के YouTube की, और पीछे से मैं बस अपनी तारीफ ही सुन रही हूँ। ये है पूरा गैंग, ये है पापा के सारे दोस्त, और ये बहुत 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 प्यारे हैं। जिनके घर हम आए हैं उनका नाम है सुरजीत अंकल। ये रोलिंग शटर है। ओके। ये हिडन ट्रेजर है। ओह। इसके अंदर छुपे छुपे। अच्छा। अरे नाइस। और चीजें हम रख सकते हैं। मुझे भी मेरी पैंट्री है। ओके। अरे नाइस। जिसमें आप एक कोई भी ड्रॉ निकाल लो। वाह नाइस। ये मेरा ऐसी लॉकडाउन वाला आर्ट है, टाइम पास। और ये हमारी किचन का पार्ट है। ये बैल्कनी थी पहले, इसको हमने कवर करा लिया और हमने यूटिलिटी एरिया बना दिया। ये डिश वॉशर है। Nice. यहाँ पे सिंक आरओ सब बाहर है, गीजर आरओ सब बाहर, किचन से बाहर। ठीक है। एंड दिस इज माय पार्टीशन वॉल। यहाँ पे पहले पूरी वॉल थी, मतलब ब्रिक वॉल थी। oh, जिसको हमने रिमूव करा। ये लिविंग एरिया है, बालकनी से व्यू देखते हैं जी। बालकनी। दिस इज कॉमन वॉशरूम। गेस्ट रूम में ये बेड खुल के आपके साइज का हो सकता है। हाँ जी, 6 फीट का हो जाएगा। तीन बालकनी है जी। आइए।
एंड उसको अपने रूम में थोड़ा ब्लैक ब्रेकर टच चाहिए था, दैट्स व्हाई उसका बेड एंड ये लुक एट द मिरर ये था ना भैया। इस शीशे का अक्स देखिए आप सामने, आप एक आर्टिस्ट हैं। कमाल का, बस देखो सर ऐसा लगता है कि वो ग्रहण वाला सीन होता है ना, वो लगता है वो जो रिंग बन जाता है, रिंग बन जाती है प्रॉपर जो पूर्ण चंद ग्रहण जो होता है वहाँ देखो। ये मैंने बोला था सेम चीज, अगर अभी आप होके चले गए ना आपको पता नहीं चला। यहाँ पे थोड़ी जगह थी हमारे पास तो मैंने इसको वैनिटी में कन्वर्ट कर दिया, मतलब अलग से नहीं बनाया है, ये स्पेस ही था उसको सिर्फ कवर्ड कर दिया और फिर मिरर मैंने इस फ्रंट में लिया। ठीक है, दिस इज थर्ड बालकनी जी, प्लीज हैव अ व्यू। वाओ दिस वन इज बिग, मतलब लाइट है बट स्विच हां, बट ये बड़ी है, ये काफी बड़ी है, एल शेप है, ये पूरी एंड तक है और यहाँ पे बहुत बढ़िया फोटोग्राफी होती है अगर आप दिन में आएंगी तो। जरूर जरूर आपको फोटोशूट करेंगे। बहुत टाइम बाद देखे मतलब कोविड के बाद, तो अभी हम सोसाइटी में घूम रहे हैं सारे और यहाँ पर बुढ़ापे का चल रहा है कि क्या होगा जब इन लोगों की नौकरियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो ये लोग कैसे रहेंगे, तो लोग यहाँ पर रहने का प्लान बना रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद ये लोग यहाँ रहेंगे। इन लोगों की अलग ही प्लानिंग चल रही है, तो रिटायरमेंट के बाद कैसे रहना है, कौन कौन होगा साथ, तो ये सब यहाँ डिस्कस हो रहा है। अच्छे वाले होने चाहिए, बाकी कुछ नहीं है, सफाई तो सब कुछ चाहिए। यार आज मैं पहली बार, मैं जब भी मेकअप करता हूँ मैं सही में बहुत अच्छा लगता हूँ, जबकि मेरा नजाकत में रहने का मन नहीं करता। पापा पापा लेकर जैसे बच्चे कह देते ना एकदम से यहाँ ऐसी हमारा है। चलो कहीं ना कहीं हमारी अभी तारीफ हो रही है वरना हमें सुना नहीं वरना हर बार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी बेइज्जती। तो अभी सब डिनर कर रहे हैं, छोले अभी एक्चुअली उस बच्चे को जो पीछे बैठा है उसको वॉमिट हो गई, तो सुरजीत अंकल वही थोड़ा हेल्प करा रहे हैं उस बच्चे को। तो अपन लोग खाने बैठ गए और आंटी ने मेरी प्लेट लगा दी है, चटनी लेनी होगी, ये आंटी ने लगाई है, ये हमेशा क्रेडिट लेने के लिए आ जाते हैं और आपने हाथ धोए दो बार। ये लगाया आंटी ने, ये क्रेडिट ले रहे यहाँ और ये मधु आंटी ने। तो यहाँ पर हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अभी डिनर हो रहा है और उसके बाद कितने प्यार से खा रहे हैं तीनों बच्चे। खाना बहुत ही यम था और
पापा आप क्या बोलोगे, खाना कैसा लगा? Awesome. अंकल खाना बहुत अच्छा था और सुखजीत ने बनाया, मेरे को और भी अच्छा लगा. और अंकल आप क्या बोलोगे? खाना बहुत टेस्टी लगा, बल्कि मैं तो दो रोटी चपाती खाता हूँ, अचार खा रहा हूँ. अरे मुझे बहुत अच्छा लगा आपके आने से, अचार खा रहा हूँ. आप जब भी आते हो दिल खुश हो जाता है. तो राजीव अंकल का फास्ट है इसलिए वो नहीं खा रहे, वरना खाना बहुत यम है और मजा आ गया. फिर दाल मखनी क्यों भैया? बहुत छोले भी मैं कह रहा हूँ आपको भी खाना चाहिए, जो जो इसको देख रहे हैं बहुत टेस्टी है. एक बार आपको यहाँ पे फ्री मिलेगा साथ. और अच्छा यहाँ खुद खिलाएंगे भी ये बैठा कर. एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरा फ्लैट नंबर के साथ. उठ करके चले गए अंकल, उठ के चले गए. बहुत ही बढ़िया खाना बनाया. झूठे वादे ना करियो, झूठे रिश्ते ना रखियो, चाहे कुछ भी बनियो माही जैसा शायर ना बनियो. वाह वाह वाह, क्या बात है. तो इन्हें लिख भी रहे हो? तो सब आप कब ने अपने घर जा रहे हैं? पीछे सब उठ चुके हैं, अपने घर जा रहे हैं. और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आकर, बहुत टाइम बाद हम अंकल आंटी से मिले. ओके बाय बाय, मत जाओ, तुसी ना जाओ. अच्छा छोड़ने भी चल रहे हो? वो जा रहे हैं प्रकाश अंकल, ये सुधीर अंकल. के भाई लेके जा रहा है, नोबडी वांट्स टू टेक यू होम. हां क्या पता आदित्य ले जाए, ट्राई कर लो. चले चले अभी तो बड़ा होते होते आएगा नहीं. हां अभी नहीं खिंचाता मुझसे, 22 केजीज का है ये. और कैसा लगा तुझे सोनी आंटी? बहुत अच्छा लगा. आपने खाना मतलब एवरीथिंग वाज खाना नंबर 1 पे था ना? हां जी आई नो, एवरीथिंग वाज परफेक्ट. नहीं और तुम लोग आए, बहुत अच्छा लगा. और फिर से प्लान करना कभी भी एनी टाइम. हां सामान रख ले सारा. फोन फोन तुम्हारा फोन? मेरा फोन मेरे पास नहीं था. देख लो फोन, पापा सब मेरा फोन मेरा पास है. ठीक है.